किसान भाइयों, मैं सोनू के खेत में हूँ और सोनू ने आपके ये गन्ने की चौड़ाई बढ़ाई है। सोनू, क्या वो रखा आपका साइज? अब आपके ये 31 इंची पे है जी। पहले क्या था? पहले तो 26 पे 28 पे ऐसी बो रहे थे। तो ये क्यों बोया 31 पे? इससे किसी का देखा कुछ फायदा है कैसे? उसमें मूने बहुत हो रहे थे। अच्छा, ये तो बात है। इसमें जो है मूने कम होंगे थोड़े से। ये बोया किसी ने? जी, किसी ने बो रखा था 31 पिछली बार। 31-30 पे अब तो ज्यादातर आम हो रहे। आम होगी, आम हो रहे। अच्छा, बताया ना तुमने टंच का बो रखा? हाँ जी, वो आगे बो रहा। आओ चलो, वहाँ चलते हैं भाइयों। ये है टंच भी दिखा। अच्छा, ये कितनी चौड़ाई पे है? ये मेरे ख्याल से 48 पे होगा। 48? तो लेजर यही था, सादे वाला या गहरे वाला? ये हाँ, तो गहरे वाला और मीन वाला था। इसमें कायदे में तो दो खूड बुने थे। ऐसा? अच्छा अच्छा, तो दो ना बो के एक एक साइड में बो दी तुमने? आज दो में तो वही फिर खिचड़ी पक जाती है इसमें। हाँ, तो बढ़िया हो रहा। गिन का कैसा, मतलब एक का कहाँ कब बोया कैसे हो? यो जो चूना लगा हुआ है उससे ऊपर का काट के। अच्छा अच्छा, वो बो रखा, वैसे ठोक से ठोक मिला रखा है। तो ये एक साइड में डालते चले गए? हाँ जी, बस एक साइड में डाल गया और वो मट्टी करवा दी। बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इसे जो है कल को मैं मशीन से ऊपर की जैसे जुताई हो रही, जो इसकी जुताई अच्छा मशीन जो वो जो सारी तो करमवीर गए। हाँ, ऊपर का हिस्सा जुट जाएगा। और एक बार खुरपी निकलवाई? बहुत बढ़िया। तो ये कितना बो रखा है, कितना टुकड़ा है? ये सवा 3 बीघे का नंबर। देखो, धीरे धीरे बदलाव लाने चाहिए, तभी तो किसान खुद तजुर्बा नहीं करेगा तो फायदा कैसा होगा? यानी जितना बीज पैदा हो रहा उसमें कितना हिस्सा तो बीज में चला जा। असल में हमने देखा है इसमें जो है जो खतौली बोया हुआ है लोगों का, उसमें जो है सूखापन बहुत कम है। नाम मात्र को एक आध गन्ना हुआ, एक गन्ने की मोटाई बहुत बड़ी। अच्छा, ये एक आंख का, दो आंख का? ये करीबन दो आंख का बुआ हुआ है। दो का बिनाई जो है दो आंख के, लेकिन बहुत अच्छा खड़ा। अच्छा, बोती पर क्या क्या डाला था इसमें? बोती दफा तो इसमें जी फंगीसाइड डाल ली थी। अच्छा, और एक कीटनाशक डाल ली थी, बाकी डाई DAP। अच्छा, DAP वगैरह नहीं जमा हो तो बढ़िया है। तो वैसे दो खुड़ वाला दो खुड़ क्यों नहीं बोया? वो ज़्यादा घिन का हो जाता, वो तो फिर बात वही आ जाती। हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ जी, इसमें दो खुड़ मन्ना जो है वैसा करके बो रखते हैं। अच्छा, ये कैसे फलासी रखी फावड़े से कैसे? ये ऐसा ना, वो सामने चढ़ देगी ऊपर, ये इस वजह से। अच्छा अच्छा, वो मशीन सी मशीन ऊपर चढ़ के होगी। बिल्कुल सही। हाँ, ये तुमने अच्छा धोरा नहीं खोदा, ये चक्रोड़ थारी ऐसी है, आराम से चढ़ सके, छोटे चढ़ जाएगा। ये नेदर डब्बू ये हुए हैं। अच्छा, वैसा ये तो तजुर्बा करा। ये दो कूड़ा है वहाँ, बाकी मैं सब मैं एक हमारे क्षेत्र में जो इधर महाराष्ट्र की तरफ होता है ना, वो रिंग पिट भी थी, वो भी बोना चाहिए थोड़ा बहुत। बस थोड़ा बहुत तो बोना चाहिए। देखो, और इनमें जो है अगर ब्यांत होगा तो वो दांती से काट दिया जाएगा। ब्यांत? क्यों, लोग तो ब्यांत का मारो दवाई के। वो जो है इसे पैदावार इसकी और ज्यादा बढ़ेगी, जो नीचे से ब्यांत निकलेगा, जो ये गन्ना जितना जमा हुआ है ये बहुत है। अच्छा। हाँ जी, जो इसका ब्यांत आओगा वो नीचे से दांती से काट के सीधा कर देंगे। किसानों कहाँ फुर्सत है ब्यांत काटने की? कटवा देंगे पूरा नफरी करके। लेकिन लोग तो ब्यांत बढ़ाने की ज्यादा निकलने की दवाई के रहे हैं, वो उसी वजह से तो। अच्छा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब? तो ये जो दवाइयाँ डालने हैं जरा सागरिका वगैरह, ये नहीं चाहिए मेरे विचार से? जब आपने बीज अच्छा बो दिया, ऊपर का बो दिया, तो उसमें फिर ब्याज की क्या जरूरत है? जब ब्याज तो अपने आप ही होगा, ब्याज ज़्यादा होगा अब वो तो खुद होगा जो होगा बिना दवाई की। हाँ, अगर ब्याज कम रहेगा तो गन्ना मोटा होगा। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये कौन सा, ये प्रदीप का है? हाँ जी। ये पौधा क्या है? हाँ जी, पौधा बढ़िया खड़ा है अभी। अगेते ये मार्च का बोया गया, फरवरी का होगा? नहीं, जमा 28 इंच पे शायद। बहुत बढ़िया खड़ा है। भाई ये देखिए कि युवा किसान है हमारे सामने, थोड़े बेटे अपना परिचय देना, बढ़िया परिचय। मैं किसान का मेरा नाम अक्षय पवार है जी। अक्षय पवार, फेसबुक में बहुत छा रहे हो है ना? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वैसा जरा आज काम कर रहे हो शहर में से आगे, तो कैसा जी लग रहा है? जी लगे। तो ये कौन कौन सी दवाई है, कोरोजन क्या है? दवाई पता नहीं, देखो छोटे वाले को पता जी, मुझे तो बस ये है उसकी तबीयत खराब है इसलिए मैं आज स्प्रे कर रहा हूं। ऐसा कह दिया लोग छोटे वाले का। करो एक खुद दिखाई करते भाई। आजकल ये इलेक्ट्रिक वे आ रही है स्प्रे मशीन, हमारे टाइम पे तो वे थी खास आवाज सूझ जाता, मारो तो पंप।
देखो बच्चों को काम करना चाहिए, शहर में रहते हैं पढ़ते हैं, लेकिन देखो गांव में आके भी अपना काम कर रहे हैं, करना भी करना चाहिए जरूर, इसमें शर्म कुछ नहीं, एक अलग ही मजा है। एक तो खुली हवा, ऊपर से कीटनाशक, साला कोरजन तो 5-4 कोसलों भी नहीं आने का, भाग जाएगा। इधर यूनिवर्सिटी आ गई, बड़े कीमती ज़मीन आने वाले टाइम में भाई, ये यूनिवर्सिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ का जो मैं रेट अभी हो रहे आगे तो इंच में हो जाएंगे भाई। ये हमारे युवा किसान हैं प्रदीप जी के लड़के, दोनों शहर में पढ़ते हैं भाई, इनका मकान है लेकिन गांव में भी खेती करते हैं, यहाँ इनके परिवार रहते हैं। थोड़ा बेटे अपना परिचय देना। नाम अभिषेक पवार, गाँव पवरसा, जिला मेरठ। जैसे तुम शहर में रहते हो और यहाँ गांव, अब गांव में आ रहे हो, तो यहाँ जी लगता है, वहाँ लगता है भाई? यहीं जी लगता है, गांव में खुली जगह में मज़ा आता है। हाँ जी। अच्छा, तो आपके तो पूरा काम करना पड़ा, मजदूर नहीं मिले, उसमें ढोना पड़ा। हाँ जी, खुद ही करना चाहिए किसान को अपना काम, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बेटे, इसमें कौन कौन सी दवाई मिला रखी है, कोरोजन है क्या है? हाँ जी, कोरोजन है फिलहाल तो। हमारे यहाँ कोरोजन ही चल रही है। हाँ जी। बहुत सी दूसरी दवाई का नाम लें लेकिन हमें तो ये सूट आ रही, क्योंकि ये प्योर मिल रही है हमारे यहाँ भी। कुछ क्षेत्रों में नकली आ रही, तो इसलिए वे लोग परेशान हो गए। कोरोजन का एक स्प्रे काफ़ी होता है हमारे यहाँ, मैंने देखा ना तो सुक्कन इंखों में ना टॉप बोरर आता, और ये इसी की मेहरबानी है। तो तुमने नहीं बोया जो रिंग वैसा जो टंच विधि? नहीं जी, अगली बार तो, नहीं भाई यही बोएंगे, 27.5 पे हमारा, 27.5। वैसे ये ऐसा साइज है, इसमें ट्रैक्टर बुग्गी कुछ बाढ़ लो, बिल्कुल फिक्स आ गया भैया। ठीक, अच्छा खड़ा है। ये कौन सी तारीख में बो दिया था? तो जी फागन क्या ये पता नहीं, मार्च में बोआ था सर, मार्च के शुरू के हफ्ते में होगा। नहीं, 15 तारीख को, 15 मार्च को। फिर बहुत अच्छा खड़ा है। तो ये पूरा गांडा बोया या नीचे से मतलब कुछ छोड़ दिया था पेड़ी, मतलब वो चढ़का थोड़ा सा ऊपर लो सारा एक? हाँ जी, सारा बोया। तो क्या आँख का बोया? ये लगा लो 3 आँख का। थोड़ा इधर घूम जाओ, चेहरे पे वो आ रही है ना छावड़े, अब आया चेहरा सही। 3 आँख का, 3 आँख का। अजी पहले हमने यार देखा, जब मजदूर नहीं मिले थे या टाइम नहीं रहता, खोड़ का डाल समुचा गांडा गिर जाए, जहाँ बैंडो या वहाँ पलकटी मार दिया, सूरा बड़ा तगड़ा गांडा होता, यानी मानते ताल की बात है। खेतों में बाजे खेत में तुम इतनी मेहनत कर लो, ईंख उखड़ जा, फसल नहीं होती, और बाजे में कुछ ना गिरो, होती चली जाए अपने आप ही कुदरती। अभी तो इसमें कुछ डला ही नहीं। नहीं, बहुत अच्छा ईंख है। अभी तो यूरिया वूरिया कुछ डोज नहीं दी इसमें भाई, बट डोज दो या ना हो तो पहली बात तो ये गंदा नाला जो, इसकी वजह से जमीन बड़ी उपजाऊ है, पहले जब पानी वानी चले और जमीन भी ढेर सी है। दूसरा तो मतलब बंधवानी बहुत पड़ती होगी। हाँ, 3 बार बंद। हाँ, क्योंकि जमीन जानदार है ना, ईंख अच्छा हो जा। तो किसान भाइयों, आपको ये फसल जरूर पसंद आई होगी, और दोनों भाइयों की मेहनत देखो, शहर में रहते हैं लेकिन फिर भी गांव में आकर काम कर रहे हैं। नमस्कार भाइयों, ये है दोनों भाइयों का जोड़ा, प्योर शहरी हैं, बचपन से शहर में पढ़े लेकिन देखो आज गांव में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार।